हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी। और आज हम करने वाले हैं क्या, क्लास नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर वन है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर टू। इसके पहले के क्वेश्चंस और पहले के एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियोस में। सिंप्लीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यहाँ पे आपको चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है 3 + √3, 2 + √2। पहले हम 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 2 + √2। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, फिर रूट 3 को हम करेंगे 2 + √2 से मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6 + 3 × √2, तो ये कैसे रखेंगे, 3 √2 + √3 × 2, ये क्या हो जाएगा, 2 √3। और ये क्या हो जाएगा, 3 × 6। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + √3, 3 − √3। ये आप देखो आइडेंटिटी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, a + b एंड a − b क्या होता है, a² − b². ठीक है, ये हमें पता है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 3² − √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3² कितना हो जाता है, 9, और रूट थ्री का किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है, वही नंबर, रूट हट जाता है उसका। ठीक है, 3 हो जाएगा, 9 − 3 = 6। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें भी क्या दिया है, √5 + √2, इसका मतलब a + b² ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ इजीली लगा सकते हैं, a² + b² + 2ab। तो 5 की वैल्यू √5² + √2² + 2, ए की वैल्यू √5 और बी की वैल्यू √2। ठीक है, 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर से √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 √10। 5 + 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 + 2 √10। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है सिर्फ इसका लास्ट पार्ट बाकी, a − b और a + b की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a² − b² √5² − √2². ठीक है, रूट का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 5 − ये 2, और आंसर में मिल जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट।